जी, नगर निगम का चुनाव आ गया है, ऐसे में सभी लोग अपनी अपनी होड़ में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं रामनवमी की और रमजान की शुभकामना देती हूँ अपने पूरे आरा के शहरवासियों को कि रामनवमी जो है राम पुरुषोत्तम जो मर्यादा पुरुष कहा जाता है उनकी शोभा यात्रा भी है और दूसरी तरफ रमजान का पाक महीना भी है। देखिए कुदरत का कितना बड़ा निज़ाम है कि दोनों पर्व एक साथ आया है और हम अपने शहरवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल कर इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाएं और इस भाईचारे को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। अभी मैडम, अभी सभी प्रत्याशी अलग अलग अपना विकास का कर रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उस पर आप क्या कहिए बताइए, सभी प्रत्याशी अपना अपना ये कर रहे हैं। देखिए जितने भी प्रत्याशी आते हैं उनका अपना अपना एक एजेंडा होता है, सभी कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे और कहना भी है, इसको हम इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सब लोग उतरे हैं, कोई एक ही आदमी जीतता है, ये भी उतना ही सच्चाई है। हम शहरवासियों से कहेंगे कि ये चुनाव जो है एक अच्छे इंसान की चुनाव है, आप अपना मत जो है सोच समझकर ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपके हर सुख दुख में काम आ सके, आपके लिए तत्पर रहे, जो आपको समझे। जी, ये वोटर जितने भी हैं आपके अपने ही वोटर हैं, आपके अगल बगल के ही वोटर हैं, क्या लग रहा है इनके रवैये को देखकर के, आप अपने काम को देखकर के कैसे, क्या लग रहा है विजयी हो पाएंगी? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, आरा के जनता पे पूरा यकीन है, विश्वास है। देखिए मैं वार्ड पार्षद हूँ, पिछले 15 साल से मैं वार्ड नंबर 25 में काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मेरे वार्ड में हिंदू और मुस्लिम सभी वर्ग के सभी जाति के लोग रहते हैं और सबसे हमको इतना मान सम्मान मिला है कि मैं उनको इस चैनल के माध्यम से उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मौका मिला है, सरकार ने ये बहुत अच्छा निकाला है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है जनता के द्वारा हो, तो जनता से मैं अपील करती हूँ कि एक बार आप मुझे मौका देकर देखें मैं आपकी उम्मीदों पर कितना खड़ी उतरती हूँ। चुनाव आप जरूर मुझे मतलब अपना मत दीजिएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि मैं आरा शहर के जनता को उदास न कर सकूं, उनके हर काम पर मैं तत्पर रहूं। आप मुझे जिस हक से मैं मांगने का काम कर रही हूं उसी हक से मैं काम करने का भी काम करूंगी, ये मेरा वादा है, यही मेरा एजेंडा है। मैडम लास्ट सवाल आपसे है कि अभी भोजपुर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर जनता से कि किस तरह का कैंडिडेट को चुने, ये बताइए। मैं आरा के जनता से यही अपील करना चाहती हूं कि आप लोग वैसे इंसान को चुनिए जो आप उनको पहले देखिए, देखने का मौका दीजिए और उनको चुनिए जो आपके हर दुख सुख में काम आ सके। आप एक महिला हैं, महिला के बारे में क्या सोचिए? महिला के लिए मेरे पास महिला के लिए विशेष कर का मेरा जो है सोच है और उनके लिए हर सुख सुविधा देने का काम करूंगी। इससे पहले भी मैंने मीडिया में बोली थी कि महिलाओं को जो आती हैं शहर में उनको बहुत सारी समस्या होती है जैसे शौचालय वगैरह का, तो इसको हम लोग बनाने का काम करेंगे और उनको उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी यातायात की जो हालात चल रही है इतना जाम हो जाता है, हमारी महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, इस पे भी हमने कहा था कि हम इसको पक्की बैरिकेड बनाने का काम करेंगे जो हमारी जनता को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। जी, जहाँ तक अभी चर्चा की विषय हो गई है कि पहले जो है वार्ड पार्षद लोग चुनाव करते थे मेयर और उपमेयर को, अब सीधी जनता चुनेगी, कैसे देख रहे हैं इसको? जी, इसको हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत अच्छा मौका मिला है। क्यों आया है? क्योंकि पहले जो था ना वो कुछ लोग चिन्हित लोग ही सरकार बना पाते थे, क्योंकि पहले जो था बाहुबली लोग जो बहुत बड़े पैसे वाले होते थे हमेशा वही उन्हीं लोगों को मौका मिलता था और हम जैसे जो भी समाजसेवी है जो जनता के बीच रहा है उसको कभी इस तरीके का मौका नहीं मिला है, क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो मतलब अपनी सरकार बना सके। तो अभी जो मौका आया है ये हम सबके लिए बहुत बेहतर मौका आया है, जो भाई जनता के बीच रहता है जिनको जनता से स्नेह प्यार मिल रहा है वो बिल्कुल जीत कर आएगा, बात को समझ रहे हैं? तो ये इसको हम बहुत अच्छे नजरिया से देख रहे हैं और इसको जीतने के बाद हम जैसे लोग अभी जो सीमित थे जैसे वार्ड नंबर हम 25 में कार्य कर रहे थे, आज हमको पूरे शहर में काम करने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं आरा शहरवासियों को काम आ सके और चारों तरफ विकास की ही बात होगी। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सलमा बेगम हुआ, इस पद के लिए जी डिप्टी मेयर पद के लिए खड़ी हूँ।